हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेक्टर एडुकेटर्स में। आज हम बात करने वाले हैं फिलर्स की। कुछ लास्ट दो सेशंस में, प्रीवियस सेशंस में भी हमने फिलर्स की बात की थी। कुछ बेसिक टाइप के फिलर्स सॉल्व किए थे, आज भी हम कुछ एडवांस टाइप के फिलर्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो गाइज, विदाउट फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो एज यू कैन सी हियर, डायरेक्शन दी हुई है। यहाँ पर बोला गया है, इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट्स, ईच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लैंक्स। ओके, दो सेंटेंसेस है अलग अलग, एंड हर एक सेंटेंस में दो दो ब्लैंक मिलेंगे। यू हैव टू चूज द ऑप्शन विच प्रोवाइड्स द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स दैट फिट्स बोथ द ब्लैंक्स इन बोथ द सेंटेंसेस। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो दोनों सेंटेंसेस के दोनों ब्लैंक्स में फिट करें। सो देखते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए गाइज, एज यू कैन सी, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दो ब्लैंक दिए हुए हैं एंड सेकेंड सेंटेंस में भी दो ब्लैंक दिए हुए हैं। एंड ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास फाइव ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो दोनों सेंटेंस के दोनों ब्लैंक्स में फिट हो। मतलब कि फर्स्ट वर्ड फर्स्ट में जाएगा, इसके फर्स्ट में जाएगा एंड इसके भी फर्स्ट में फिट होना चाहिए। एंड जो सेकेंड वर्ड, सपोज आप ए ऑप्शन चूज करते हैं, तो सेकेंड वर्ड इस सेकेंड वाले ब्लैंक में फिट होना चाहिए एंड इसके भी सेकेंड वाले ब्लैंक में फिट होना चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। सो लेट्स डिस्कस गाइज। तो यहाँ देखते हैं, द प्रोग्राम डैश इज रेडिकल, रेडिकल है बिकॉज द एक्सरसाइज एनविसेजेस अ सीरियस री इमेजिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड डैश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को पहले, द प्रोग्राम परसीव्ड। अब यहाँ पर अगर बात करें परसीव की, तो परसीव मतलब होता है लुक ऑन या व्यूव करना। तो यहाँ पर द प्रोग्राम परसीव्ड हो सकता है इज रेडिकल बिकॉज द एक्सरसाइज एनविसेजेस अ सीरियस रीइमेजिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड लाइटेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पर ये लाइटेंस तो नहीं होगा कि उस पर लाइट कर रहा है या पर्दा डाल रहा है, नहीं। तो ये सेकेंड वर्ड तो सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है। ओके, सेकेंड चेक करते हैं, द प्रोग्राम कंसीव्ड इज रेडिकल, जो कंसीव किया गया है, कंसीव मतलब जिसके बारे में सोचा जा रहा है, थॉट ऑफ या थिंक ऑफ, बिकॉज द एक्सरसाइज एनविसेजेस रीइमेजिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड डीपेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डीपन करता है और डीप करता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि लाइटेंस नहीं हो सकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है। तो यहाँ डीपेंस हो सकता है, तो ये ऑप्शन शायद हो सकता है, फर्स्ट तो नहीं होगा। देन थर्ड, बॉर्न, द प्रोग्राम बॉर्न इज रेडिकल, तो कोई प्रोग्राम बॉर्न नहीं होता कभी भी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। द प्रोग्राम कंसेप्चुअलाइज्ड, कंसेप्चुअलाइज्ड यहाँ पर चेक करते हैं, द प्रोग्राम
conceptualized is radical because the exercise and dash dash and satire cooperative federalism. Satire मतलब क्या होता है? Satire मतलब होता है किसी को कुछ sarcastic तरीके से कहना. मतलब इसका अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है ताना कसना. हम कहते हैं ना ताना कसना या ताना मारना, इसे हम कहते हैं सटायर. तो ये तो वर्ड बिल्कुल नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है. अब हम इस ऑप्शन नंबर को सेकेंड सेंटेंस में भी चेक करेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये सेम ऑप्शन सेकेंड सेंटेंस के भी ब्लैंक्स में फिट होना चाहिए. तो यहाँ देखते हैं, द बुक टर्न मूवी बोस्ट ऑफ एन इंजीनियसली कंसीव्ड प्रोडक्शन. इंजीनियसली जो कंसीव्ड प्रोडक्शन है सही हो सकता है. ओके, एंड डीपेंस द ओरिजिनल वर्क. ओरिजिनल वर्क को और डीप करता है, और अच्छे से दिखाता है, एट टाइम्स इवन सरपासिंग इट. तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये दोनों सेंटेंसेस में सही फिट हो रहा है. सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट चॉइस या करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सो लेट्स चेक गाइस. तो यहाँ पर देखते हैं, इंडिया इज डैश, इंडिया इज अ डैश आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, बट इन द एरिया ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन इट इज स्टिल डैश. मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, या डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है, डिज़ायर्ड प्लेस है ये फॉर मेडिकल टूरिज्म, लेकिन फिर भी इन द एरिया ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन के मामले में अभी भी वो डैश बिहाइंड है. मतलब कि पीछे है, इस तरीके का कुछ सेंस बन रहा है. एंड अर्ली डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग इज मोर द एक्सेप्शन देन द रूल. तो लेट्स चेक. अब यहाँ पर देखेंगे गाइस, यहाँ पर ब्लैंक के पहले आफ्टर आया एंड यहाँ पर बिहाइंड आया, तो हमें ये चेक करना होगा यहाँ पर कि ये जो प्रपोजिशन है, ये जो वर्ड्स है, इनके पहले कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो इन वर्ड्स के साथ फिट होगा. तो लेट्स चेक ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पर इंडिया इज सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन बिल्कुल सही हो सकता है. सॉट आफ्टर का मीनिंग ही होता है कि जो बहुत ज़्यादा डिजायर्ड है या बहुत ज़्यादा डिमांड में है. ओके, एंड यहाँ पर देखेंगे इंटरवेंशन इट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, लेकिन फिर भी पीछे लैग पीछे है. ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड भी बिल्कुल फिट हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करने होते हैं. इंडिया इज़ अ सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर. सॉर्ट मतलब आपको पता ही है, सॉर्ट करना किसी चीज़ को, सॉर्टिंग का मीनिंग होता है छांटना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. देन वांटेड आफ्टर डेस्टिनेशन, वांटेड के बाद ये आफ्टर वर्ड कभी भी फिट नहीं होता, तो ये बिल्कुल नहीं होगा. देन रिक्वायर्ड आफ्टर डेस्टिनेशन, रिक्वायर्ड के बाद भी आफ्टर यूज नहीं किया जाता, तो सीधे से क्लियरली यहाँ पर हमें दिख पा रहा है कि सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे एंड ये फिट हो रहा है. ये एंड हमारे पास ये ई ऑप्शन भी है, नन ऑफ दिस, तो ये दोनों में से हम चेक करेंगे. सो अगर ये जो दोनों ऑप्शन है ये सेकेंड सेंटेंस में भी फिट होते हैं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए would be the correct answer. So let's check. The minister interacted with the local residents and sought their feedback. Yes, sought मतलब सिर्फ sought मतलब पाना, to seek something. Sought
their feedback on the development policies, as he wanted to know why the district, which was a knowledge hub earlier, was presently lagging in crucial indicators of development. कि कुछ indicators, कुछ crucial चीज़ों में वो अभी भी पीछे है. तो बिल्कुल ये option दोनों sentence में सही जा रहा है, मतलब हमारा answer होगा option number A. Next देखिए guys, क्या हो सकता है इसका answer? Let's check guys. The company has extensively invested resources. अच्छा, कंपनी ने intensively बहुत सारे resources को invest किया है, बहुत सारे पैसे या बहुत सारी चीज़ों को लगाया है. किस लिए? To ensure करने के लिए the delivery of goods on dash and also to develop, and ये चीज़ develop करने के लिए, and dash service that incorporates various distribution channels in line with the investors' preference. Okay, तो यहाँ देखते हैं, the company has extensively invested so to ensure the delivery of goods on suddenly, to ensure the delivery of goods goes on suddenly, कि suddenly delivery हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ये word fit नहीं हो रहा है. And to develop an exclusive service, तो exclusive क्या होता है, मतलब exclusive मतलब कि किसी चीज़ को एक्सक्लूड करके, मतलब छोड़ के, तो छोड़ के बात नहीं है यहाँ पर, तो बात की जाएगी इंक्लूड करके ना, कि ऐसी सर्विस दैट इनकॉर्पोरेट्स की वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन लाइन विद इन्वेस्टर्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव वर्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा, सॉरी, एक्सक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूड करके किसी चीज़ को. तो यहाँ पर ये जो होगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है excluding something, exclude करके. तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो next देखते हैं, from wheels to smartphones, okay, sorry, B option था smooth and excluded, बिल्कुल नहीं होगा, goes on smoothly अगर होता यहाँ पर तो सही हो जाता grammatically, लेकिन ये smooth है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. okay, and यहाँ पर भी excluded है, इसका ही मतलब exclusive मतलब excluding ही होता है. देन सी, ब्रोकनली ब्रेक में नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. देन देखते हैं सीमलेसली, अब ये बात करें इस वर्ड सीमलेस की, तो इसका मीनिंग होता है विदाउट अ ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के. ओके, तो सीमलेसली एंड इंक्लूसिव मतलब होता है गाइस इंक्लूडिंग ऑल, सभी चीज को इंक्लूड करके. तो ये ऑप्शन सही फिट हो रहा है. सो लेट्स चेक दिस ऑप्शन इन सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस. From wheels to smartphones, technology has seamlessly transformed lives. हो सकता है, मतलब without any break, continuously, smoothly lives को transform किया है. But it is high time modern technologies became inclusive and stopped turning a blind eye to elderly users. तो यहाँ पर ये word भी inclusive हो सकता है, यहाँ पर बिल्कुल सही, मतलब हमारा option number D जो है ये बिल्कुल सही है. Next sentence देखते हैं.
सो लेट्स चेक गाइस, द गवर्नमेंट हैज डैश ओवर 35,000 करोड़ इन सेस. सेस मतलब एक तरीके का टैक्स होता है. ओके, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन हाई रिस्क एंड हैजार्डस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दैट इज मोस्टली डैश बाय प्राइवेट कंपनीज. सो लेट्स चेक, द गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर 35,000 करोड़ इन सेस. टेकन ओवर, टेक ओवर तो यहाँ पर नहीं होगा करेक्ट फ्रेज. ओके, आपको तो पता ही होगा टेक ओवर करना, जैसे कोई पर्सन होता है जो किसी कंपनी को टेक ओवर कर देता है, तो यहाँ पर टेक ओवर नहीं, यहाँ पर बात टैक्स की जा रही है. मतलब टैक्स क्या किया है गवर्नमेंट ने, कलेक्ट किया है या गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिला है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं. तो टेकन तो नहीं होगा. सेकेंड देखते हैं विथड्रॉन, विथड्रॉ किया है ओवर 35,000 करोड़ इन सेस फॉर द वेलफेयर. अगर यहां पर होता है द गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन 35,000 करोड़ फॉर वेलफेयर, तो यहां पर ये सेस के टैक्स की बात की गई है. एंड टैक्स तो इम्पोज किया है ना, जो टैक्स है गवर्नमेंट को मिलता है, विथड्रॉ नहीं कर सकते. विथड्रॉ तो जैसे हम लोग बैंक से करते हैं या हमारे अकाउंट से करते हैं, पर यहाँ तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है दूसरे लोगों से, तो यहाँ पर नहीं होगा. देन देखते हैं द गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड, ये फर्स्ट वर्ड तो बिल्कुल फिट होगा, कलेक्ट किया है इतना सेस, इतना टैक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द हाई रिस्क एंड हैजार्डस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दैट इज मोस्टली कंट्रोल्ड. ऐसी इंडस्ट्री जो किससे, किनके द्वारा कंट्रोल की जाती है, प्राइवेट. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है. बट लेट्स चेक डी ऑप्शन ऑल्सो. द गवर्नमेंट हैज गेट, और हैज के बाद गेट नहीं आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ऐसे ही ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पर. तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टेड एंड कंट्रोल. तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को अब सेकेंड सेंटेंस में भी चेक कर लेंगे. चाइनीज मोबाइल फोन मेकर हवाई सेड इट नेवर कलेक्टेड और स्टोर्ड फेसबुक यूजर डेटा. कभी उन्होंने ना तो कलेक्ट किया है फेसबुक यूजर डेटा, ना तो स्टोर किया है. आफ्टर द सोशल मीडिया जायंट एक्नॉलेज इट गेव द एक्सेस ऑफ डेटा टू सच हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स अबाउट इन अ कंट्रोल्ड वे. बिल्कुल है, बिल्कुल सही है यहाँ पर. तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. सो लेट्स चेक गाइस, इवन दो वेदर कंडीशंस वर डैश फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, शियर डैश कपल्ड विथ लेड बैक ओके एटीट्यूड लेड टू एन अपॉर्चुनिटी बींग वेस्टेड. तो यहाँ लेड बैक मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग नेचर होता है, मतलब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेना, बहुत ज़्यादा हिंदी में हम कहते हैं हल्के में, मतलब ऐसा कहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हल्के में लेना, या बहुत ज़्यादा रिलैक्स नेचर की, हाँ जो होना है होगा, देखेंगे करेंगे, इस तरीके का जो एटीट्यूड होता है इसे हम कहते हैं लेड बैक एटीट्यूड. ओके, तो यहाँ पर चेक करते हैं. इवन दो वेदर कंडीशंस वो बैड, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, बैड चलो मान भी लेते हैं, हो सकता है, शीयर एंथुसियाज्म कपल्ड विथ लेड बैक. एंथुजियाज्म और लेड बैक बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे. ये जो लेड बैक होगा ये थोड़ा नेगेटिव तरीके का वर्ड है, एंड एंथुजियाज्म तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा.
क्या बोला जा रहा है, डैश कपल्ड विद लेट बैक एटीट्यूड लेट टू एन अपॉर्चुनिटी बींग वेस्टेड. तो उसके वजह सर क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई. मतलब यहाँ जो वर्ड आएगा वो कुछ नेगेटिव तरीके का होगा. ओके, लेट बैक एटीट्यूड मतलब भी यही इजी गोइंग नेचर, जो रिलैक्स तरीके के एटीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव वर्ड आएगा तो एंथुजियाज्म बिल्कुल गलत है. देन द वेदर कंडीशन वर गुड फॉर एग्जीक्यूटिंग. गुड तो हम ऐसा कहते नहीं है, लेकिन सेकेंड देख लेंगे एनर्जी, एंड एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आएगा कि अगेन ये एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा. देन कंडीशन वर हैबिचुअल फॉर, हैबिचुअल मतलब किसी चीज़ की आदत होना, तो ये वर्ड यहाँ पर वेदर कंडीशन वर हैबिचुअल है यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं हो रहा, तो ये गलत होगा. यहाँ देखते हैं वेदर कंडीशन वर फेवरेबल, बिल्कुल यहाँ पर फेवरेबल वर्ड सही जा रहा है. एंड शीयर नेग्लिजेंस, कंप्लीट जो नेग्लिजेंस है, निग्लेक्ट करना किसी चीज़ को कपल्ड विथ लेट बैक. तो लेट बैक एंड नेग्लिजेंस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के वर्ड्स है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है. तो हम चेक करेंगे कि ये डी ऑप्शन क्या सेकेंड सेंटेंस में भी सही तरीके से फिट हो रहा है या नहीं. द डैश द फेवरेबल ट्रीटमेंट गिवन टू कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर एंड अ कल्चर ऑफ नेग्लिजेंस एंड डिसरिगार्ड. अगेन डिसरिगार्ड और नेग्लिजेंस दोनों नेगेटिव तरीके के वर्ड है, फिट होगा यहाँ पर. फॉर स्मॉल फार्मर्स इज किलिंग इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, तो यहाँ पर ये भी जो है ऑप्शन डी सेकेंड सेंटेंस में भी बिल्कुल फिट हो रहा है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लेट्स चेक गाइस. एप्पल्स रिसेंटली अपडेटेड डैश फॉर डेवलपर्स ऑन इट्स ऐप स्टोर वुड डैश एप्स फ्रॉम सेलिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम यूजर्स एड्रेस बुक टू अदर पीपल. सो लेट्स चेक एप्पल्स रिसेंटली अपडेटेड रूल्स हो सकता है. सेकेंड देखते हैं फॉर डेवलपर्स ऑन इट्स ऐप स्टोर वुड प्रिवेंट एप्स फ्रॉम सेलिंग इन्फॉर्मेशन. क्या यहाँ पर प्रिवेंट हो सकता है, वो रोकेगा सेल करने को इन्फॉर्मेशन. ओके, तो यहाँ पर देखते चलो ये भी सही लग रहा है, इसे हम सेकेंड सेंटेंस में भी चेक कर लेंगे. फेसबुक हैज अपडेटेड इट्स एडवर्टाइजिंग रूल्स. एडवर्टाइजिंग रूल्स तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग के कोई रूल्स नहीं होते, मतलब ये सेकेंड सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा है. देन सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं एप्पल्स रिसेंटली अपडेटेड पॉलिसी. पॉलिसी भी सही हो सकता है. फॉर डेवलपर्स ऑन इट्स ऐप स्टोर वुड प्रोहिबिट एप्स. ओके, प्रोहिबिट करेगा, प्रिवेंट करेगा एप्स फ्रॉम सेलिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम यूजर्स एड्रेस बुक. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है. इसी ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे सेकेंड सेंटेंस में भी. फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं थर्ड सी ऑप्शन को. एप्पल्स रिसेंटली अपडेटेड क्राइटेरिया फॉर डेवलपर्स ऑन इट्स ऐप स्टोर वुड प्रोटेक्ट एप्स फ्रॉम सेलिंग इन्फॉर्मेशन. चलो हो सकता है सेकेंड में चेक कर ले. फेसबुक हैज अपडेटेड एडवर्टाइजिंग क्राइटेरिया टू प्रोटेक्ट एड्स फॉर वेपन. टू प्रोटेक्ट एड्स फॉर वेपन, तो चलो ये भी ऑप्शन हमें लग रहा है, हो सकता है शायद. थर्ड चेक कर लेते हैं इंटरफेस. और एप्पल्स रिसेंटली अपडेटेड इंटरफेस नहीं होता. इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मीट या इंटरैक्ट, ये होता है इंटरफेस. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. अब हमें चेक करना है बी या सी सही होगा. सो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे फर्स्ट सेंटेंस में एप्पल्स रिसेंटली अपडेटेड पॉलिसी फॉर डेवलपर्स, या फिर हम चेक करेंगे क्राइटेरिया, तो यहाँ पर देखेंगे क्राइटेरिया तो नहीं होगा. यहाँ पर डेवलपर्स की बात की जा रही है ना, उसके ऐप पे ऐप स्टोर के जितने भी डेवलपर्स हैं उनकी बात की जा रही है. तो यहाँ पर
क्राइटेरिया गलत हो जाएगा, पॉलिसी ही होगा, ये पॉलिसी ही डेवलप होगी। प्रोहिबिट ऐप्स फ्रॉम सेलिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए पॉलिसी बनेगा, कोई क्राइटेरिया तो नहीं बनता है। क्राइटेरिया तो आपको पता है कोई एग्ज़ाम देना है सपोज, या कोई इंटरव्यू, उसके लिए बनाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, सो लेट्स चेक गाइस। अ मिनियापोलिस सिटी काउंसिल कमिटी विल वोट ट्यूसडे ऑन एन डैश दैट वुड रिक्वायर कंपनीज टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू डैश रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन दिस सिटी। तो यहाँ पर देखेंगे एन आया हुआ है, इस ब्लैंक के पहले एन आया हुआ है, एंड यहाँ पर भी देख पा रहे हैं इस ब्लैंक के पहले भी एन आया है, मतलब यहाँ पर ऐसा ही वर्ड आएगा जो वॉवेल साउंडिंग होगा, जो वॉवेल से साउंड करेगा। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं ये डी तो वॉवेल साउंडिंग है ही नहीं, तो इस ऑप्शन को हमें चेक ही नहीं करना, देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल साउंडिंग ही वर्ड आएगा क्योंकि एन आया हुआ है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ऑन एन ऑर्डर, ऑर्डर ठीक है, ऑन एन ऑर्डर दैट वुड रिक्वायर कंपनीज टू ऑप्टेन अ लाइसेंस, है ना, जिसमें क्या होगा कि कंपनीज को लाइसेंस ऑप्टेन करना पड़ेगा टू पास द रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन दी सिटी। तो इलेक्ट्रिक रेंटल जो स्कूटीज की बात की जा रही है, स्कूटर्स की बात की जा रही है, उसे हम पास तो नहीं करेंगे, उसे चलाने की बात की जा रही है कि ताकि लाइसेंस मिल जाए, ताकि हम उन्हें रन कर पाए, चला पाए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। देन सी, सी का सी चेक करता है, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मतलब क्या होता है? किसी पर कोई चार्ज लगाना, उसे अक्यूज करना, कोई इल्ज़ाम लगाना, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं, इंडिक्टमेंट तो बिल्कुल वर्ड आएगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है। देन थर्ड इज ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब भी होता है ऑर्डर, तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो वर्ड है ये हो सकता है ऑर्डर दैट वुड रिक्वायर कंपनीज टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू ऑपरेट द रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर, ऑपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। इसी ऑप्शन को हम सेकेंड सेंटेंस में भी चेक करेंगे, द गवर्नमेंट पास द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू ऑपरेट द मशीन्स दैट वुड दैट विल सपोर्ट मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल सही है, मतलब हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या हो सकता है।
लेट्स चेक गाइस. प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज ही इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है दैट नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग अन वुड डैश एन एग्रीमेंट द रीच लास्ट मंथ टू डैश न्यूक्लियराइजेशन. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे टू एंड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये जो है ये मॉडल वर्ब है. कुड वुड शुड जितने भी है शल विल सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही है. ओके, सो लेट्स चेक. प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज ही इज कॉन्फिडेंट नॉर्थ कोरियन लीडर जो भी है वुड कंडेम एन एग्रीमेंट दे रीच लास्ट मंथ टू डैश न्यूक्लियराइजेशन, कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये जो लीडर है ये क्या करेगा. कंडेम मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा यहाँ पर, बिल्कुल गलत है, नेगेटिव नहीं, यहाँ पर तो कोई पॉजिटिव ही वर्ड आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, विल ऑनर वुड ऑनर एन एग्रीमेंट दे रीच, ऑनर मतलब रेस्पेक्ट करना, तारीफ करना, ये होता है, तो ऑनर फिट हो सकता है बट देखते हैं यहाँ पर. सो इसे हम लेके चलेंगे, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते वुड. ओके, इसका सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. वुड ऑनर एन एग्रीमेंट दे रीच लास्ट मंथ टू परस्यू डी न्यूक्लियराइजेशन. तो यहाँ पर परस्यू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्वायर करना. यहाँ पर देखिए, देन नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड सेंटेंस. अच्छा ठीक है, सेकेंड सेंटेंस बाद में, पहले फर्स्ट सेंटेंस को ही हम डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट इज एंड. वुड एंड एन एग्रीमेंट दे रीच लास्ट मंथ टू डैश डी न्यूक्लियराइजेशन. तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. वुड रेवरेंस मतलब डीप रेस्पेक्ट देना किसी को, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, वुड ऑनर एन एग्रीमेंट दे रीच लास्ट मंथ टू परस्यू डी न्यूक्लियराइजेशन. तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा. अब यहाँ पर इस ऑप्शन को हम सेकेंड सेंटेंस में भी चेक करेंगे. द स्टूडेंट्स हेल्ड अ सेरेमनी इन ऑनर ऑफ देयर न्यू प्रोफेसर. ओके, सही है, हु लेफ्ट इंजीनियरिंग टू परस्यू टीचिंग. तो बिल्कुल सही जा रहा है सेकेंड ऑप्शन भी. नेक्स्ट देखते हैं गाइस, देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर. सो गाइज, बात करें यहाँ पर, ये स्किर्मिश का मतलब ही होता है फाइट या बैटल, लड़ाई झगड़ा करना. ओके, सो लेट्स चेक. इन दी 70s वन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट इन्फ्लेशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ, फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं, अ रिजल्ट ऑफ क्लास स्किर्मिश और एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. रिजल्ट ऑफ क्लास स्किर्मिश नहीं, स्किर्मिश वर्ड यहाँ पर फाइट या बैटल, तो ये तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है. नेक्स्ट चेक करते हैं, इन्फ्लेशन वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट और एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट. ओके, क्लास ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये हो सकता है कि ये इन्फ्लेशन इसका रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस था किसका, ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट और एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. तो ये ऑप्शन हमें लग रहा है, हम इसे अभी देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन फर्स्ट पहले चेक करेंगे. The next is in the 70s once quarter, okay, believe inflation was the outcome of class struggle or at least conflict between section of society. Conflict की बात कर रहा है, struggle की बात तो की नहीं जा रही है, ये option नहीं होगा. Then next, inflation was a reaction. Inflation कभी भी reaction नहीं हो सकता किसी चीज़ का, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब option number B
अब इस ऑप्शन को हमें चेक करना है कि सेकेंड सेंटेंस में भी फिट हो रहा है कि नहीं. कॉरपोरेशंस एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स हैव मोर मनी टू पोर इन टू पोलिटिकल कैंपेन्स एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि एज अ रिजल्ट दे गेट बेटर डील, वाइल लेबर यूनियंस हैव फार लेस बिकॉज अमेरिका शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री वॉज अकम्पनीड बाई डिकेट्स ऑफ ब्लडी लेबर कॉन्फ्लिक्ट. ओके, बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है गाइस. सो लेट्स चेक गाइस, टुडे देर आर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन डैश कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री हु डोंट हैव एक्सेस टू सम ऑफ द बेसिक डैश सिटी डवेलर्स टेक फॉर ग्रांटेड. कि सिटी वाले जो होते हैं, सिटी में जो रहते हैं, वो सारी फैसिलिटीज ग्रांटेड लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेंगे, पानी वेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत जो कंट्री के कॉर्नर में दूर दराज में लोग रहते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, इस तरीके का ये सेंटेंस है. सो हम चेक करेंगे यहाँ पर, चेक करेंगे हम यहाँ पर कि ऑप्शन कौन सा सही होता है. सो लेट्स चेक फर्स्ट ऑप्शन. टुडे देर आर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन आइसोलेटेड कॉर्नर्स ऑफ, आइसोलेट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल दूर है, जिन्हें अलग रखा जाता है आइसोलेशन में, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग इन डिस्टेंट, तो डिस्टेंट मतलब होता है दूर, लिविंग इन डिस्टेंट दूर कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, चलो मान भी लेते हैं, हु हैव एक्सेस टू सम ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो बेसिक बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. देन नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग इन रिमोट कॉर्नर्स, रिमोट मतलब बहुत ज़्यादा दूर, तो यस यहाँ पर ये जो रिमोट वर्ड है ये फिट हो सकता है. ओके टू सम ऑफ द, ओके कॉर्नर्स ऑफ द सिटी हु डोंट हैव एक्सेस टू सम ऑफ द बेसिक एमिनिटीज, और एमिनिटीज का मतलब होता है बेसिक जो सर्विसेस होती है, बेसिक जो फैसिलिटीज होती है, उन्हें हम कहते हैं एमिनिटीज. तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जा रहा है. ओके इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब की बात तो बहुत दूर की है, उन्हें तो बेसिक चीज़ें भी नहीं, बेसिक वर्ड आया है. ओके तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो सकता है. थर्ड भी चेक, लास्ट भी चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन. लिविंग इन इनएक्सेसिबल और एरिया कॉर्नर्स ऑफ, इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ तक हम पहुँच ना पाए, तो ऐसा कोई कॉर्नर तो होता नहीं है इंडिया में, ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि हम जहाँ तक पहुँच ना पाए, उस जगह तक जहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सेंसिबल नहीं लग रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. अब रिमोट और एमिनिटीज़ को हम चेक कर लेते हैं. यूज़ ऑफ जियो स्पेशल स्पेशल टेक्निक्स लाइक रिमोट सेंसिंग, बिल्कुल सही होगा, रिमोट सेंसिंग सुना भी होगा, कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग विलेजेस लैकिंग इन बेसिक एमिनिटीज़, बिल्कुल सही है, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, ये भी सही जा रहा है, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कुछ डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है. यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक पैसेज दिख रहा है आपको छोटा सा, एंड यहाँ पर ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में पूरा एक सेंटेंस मिसिंग है, और जो वो जो सेंटेंस है जो मिसिंग है, ये इन फाइव ऑप्शंस में से कोई है, तो आपको देखना है कि इन फाइव ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस है जो यहाँ से मिसिंग है. सो देखिए गाइस क्या हो सकता है.
सो लेट्स चेक गाइस. तो देखते हैं यहाँ बात की किसकी की जा रही है. द मेन रीजन बैंक नोट्स गेट डर्टी इज दैट दे पिक अप ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड सिबम. ओके, फ्रॉम ह्यूमन काइंड. हमारा जो पसीना होता है उससे, और वो सबसे जो नोट्स पे जो एक ऑयली सब्सटेंस आ जाता है उसकी बात की जा रही है, जिसे सिबम कहा जाता है. वो बहुत दिस इज अनप्लेजेंट इन इट सेल्फ. इट टर्न्स ब्राउन. इट ऑल्सो टर्न्स ब्राउन एज इट ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाता है. मेक इट हार्डर फॉर मशीन्स दैट हैंडल एंड सॉर्ट नोट्स टू रिकोगनाइज दैम. जैसे कि मशीन्स होती है, हम जाते हैं एटीएम में जाते हैं या बैंक में, तो जो नोट्स को रिकोगनाइज करती है वो नोट्स, इन जो ऐसे नोट जिन्हें सिबम लग जाता है या सिबम से वो मतलब उस पर डस्ट बैठ जाता है, या हम जो ऑयली सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो, तो ऐसे नोट्स को वो रिकोगनाइज नहीं कर पाती. इन प्रिंसिपल सिबम कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय डैश सॉल्वेंट डैश, सो इट इज बिकम इजियर टू विथड्रॉ. तो यहाँ पर इस सिबम की बात की जा रही है कि जो सिबम है इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं सॉल्वेंट से. सॉल्वेंट्स मतलब एक तरीके का लिक्विड होता है. तो यहाँ पर चेक करते हैं. सो दिस सॉल्वेंट्स आर यूज टू रिकवर बैड नोट्स. सो दिस सॉल्वेंट, दिस मतलब ये सॉल्वेंट्स, लेकिन यहाँ तो सॉल्वेंट्स की बात ही नहीं की गई ना कि किस कोई टाइप का सॉल्वेंट. तो यहाँ पर जस्ट इतना बोला गया था कि सिबम कैन बी रिमूव्ड बाय सॉल्वेंट्स. तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा. कोई सॉल्वेंट्स की बात की होती, कोई सॉल्वेंट के टाइप की, तब हम बोल सकते थे. देन अदर फिजिकल केमिस्ट्री टेक्निक्स विच मेक दिस नोट. तो यहाँ कोई फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है अभी, तो ये सॉल्वेंट वाला ही सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ. देन गिविंग अ न्यू लाइफ टू सच सॉर्ट ऑफ नोट्स, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है. यहाँ पर बात की जा रही है कि सिबम को कैसे रिमूव किया जा सकता है. देन बट मोस्ट सॉल्वेंट्स ऑल्सो डैमेज सिक्योरिटी फीचर्स सच एज होलोग्राम्स एंड स्पेशल मैग्नेटिक एंड फ्लोरेसेंट लिंक्स इंक्स. तो यहाँ पर यह सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिबम को हम ऐसे रिमूव की जा सकते हैं सॉल्वेंट से, लेकिन बोला जा रहा है बट मोस्ट सॉल्वेंट्स डैमेज सिक्योरिटी फीचर्स को भी डैमेज कर देते हैं. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा. लास्ट इन अ वे दैट इज बोथ एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सिक्योर. ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. एंड आई होप काफ़ी ईजी था ये, आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हो सकता है यहाँ पर. So let's check guys. In the clear blue coastal waters of California lives a much cherished mollusk, the Olympia oyster. Okay, Olympia oyster पाया जाता है. The Olympia oyster dash, but these, हमें इस sentence से ही पता चलेगा, the Olympia oyster. Okay, but these oyster are proving useful in other ways too. इसका मतलब क्या है कि ये जो यूज़फुलनेस की बात की जा रही है कि दूसरे तरीकों से भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. मतलब यहाँ पर भी उसके यूज़फुलनेस की, उसके यूज़ की बात की गई होगी, इसलिए तो यहाँ बोला जा रहा है ना इन अदर वेज टू, कि दूसरे तरीकों से भी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. मतलब उसके दूसरे भी यूजेस है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ऑयस्टर की बात की जा रही है उसके यूजेस कहाँ पर दिए गए. इट्स अप अदर स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स, नहीं. सॉट फॉर इट्स रीच टेस्ट, उसका बहुत टेस्ट के लिए उसे जाना जाता है, पाया जाता है. ब्रिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टू दी लोकल इकोनॉमिक, में बहुत ज़्यादा पैसा भी लाता है वो, बिल्कुल हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं. विच इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, नहीं. पोल्यूट्स दी वाटर, बिल्कुल नहीं. रिसेंट ईयर दे हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ थीनिंग, नहीं.
यहाँ पर यूज़ की बात की जा रही थी एंड यहाँ बोला था कि अदर तरीके से भी यूज़फुल है, मतलब कि यहाँ पर कोई तरीका ही बताया होगा कि किस तरीके से यूज़ है, एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी सेंटेंस में ही उसके यूज़ के बारे में बताया गया है. ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर. नेक्स्ट देखिए, सो लेट्स चेक गाइस, द रिसेंट क्रैक डाउन ऑन ऑफिशियल करप्शन माइट सजेस्ट दैट फैट कैट्स आर बिजी विस्किंग देयर मनी आउट ऑफ द कंट्री टू अवॉइड स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी मतलब जांच पड़ताल या जो भी चेकिंग होती है उसकी बात की जा रही है कि वो जितना भी पैसा है वो कंट्री के बाहर भेज रहे हैं. देन नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ मनी इज अनडाउटेडली लिविंग चाइना. तो इसी सेंटेंस से हमें हिंट मिलेगी कि यहाँ पर क्या आएगा. लॉट्स ऑफ मनी इज अनडाउटेडली लिविंग चाइना डिस्पाइट द कंट्रीज स्ट्रिक्ट करेंसी कंट्रोल्स. ओके, चाइना से भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बाहर जा रहा है. हाउएवर क्लोज लुक एट द ऑफिशियल फिगर सजेस्ट दैट ऑन बैलेंस मोर हॉट मनी मीनिंग कैपिटल फ्लोज. ओके ओके ठीक है, तो यहाँ हम चेक करते हैं. देखिए यहाँ पर, हाउएवर द बेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड आर स्मार्ट इनफ टू हैक दिस स्क्रूटिनी. अब बोला क्या गया था कि जो जो भी है आर विस्किंग देयर मनी आउट ऑफ कंट्री टू अवॉइड स्क्रूटिनी. एंड यहाँ पर बोला गया हाउएवर बेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड आर स्मार्ट इनफ टू हैक दिस स्क्रूटिनी. अगर यहाँ पर हैक कर पाते तो आगे बात होती कि कैसे किस तरीके से हैक किया गया है या कुछ, पर यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि चाइना से भी पैसा बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर ये हैकिंग की बीच में बात तो नहीं होगी. सर सिमिलर मूवमेंट हैज़ बीन सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज लीडिंग टू लॉस ऑफ GDP. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी देखा गया है. तो यहाँ पर देखते हैं, ये भी शायद हो सकता है. दैट इंप्रेशन इज स्ट्रेंथन बाय अपेरेंटली एंडलेस फ्लो ऑफ चाइनीज मनी इन टू लग्जरी गुड्स पेंट हाउसेज एंड अदर ट्रॉफीज इन चाइना, सॉरी इन लंडन, न्यूयॉर्क एंड पेरिस. तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है अनडाउटेडली चाइना से भी बहुत सारा पैसा जा रहा है. एंड यहाँ पर बोला जा रहा है दैट इंप्रेशन इज स्ट्रेंथन बाय अपेरेंटली एंडलेस फ्लो ऑफ चाइनीज मनी, एंड उसी को बोला जा रहा है अनडाउटेडली. तो बिल्कुल ये भी सेंटेंस हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं, द क्वेश्चन अराइजेस वाई द गवर्नमेंट है सो लीनियंट. बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है, अदर एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू प्रोलॉन्ग नहीं. अब हमें चेक करना है दोनों में से कौन सा वर्ड सेंटेंस फिट होगा. तो ये सेंटेंस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अनडाउटेडली चाइना से भी जा रहा है, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है, इसी बात यही बात ज़्यादा और मजबूती से कैसे की जा सकती है, क्योंकि चाइना से जो है पैसा ये अनडाउटेडली या बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है. ओके, या फिर वो जो पैसा है वो लग्जरी गुड्स पेंट हाउसेस और अदर ट्रॉफीज में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी. आई होप गाइस सारी चीज़ें क्लियर हो रही है. सो थैंक यू वेरी मच.